दोस्तों, अगर आप एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज मोनू सागर, आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरे पे दो दिन पहले ही एक बंदे ने मेरे से पूछा कि मैं एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाहता हूँ, पर मेरे को आइडिया नहीं कि बाइक में क्या चीज़ें होती हैं ख्याल ध्यान में रखने वाली। एक बाइक को जिस टाइम हम सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है, उसको वो मालूम नहीं था, मतलब किसी को भी मालूम नहीं होता है, और हम इस वीडियो में ये चीज़ कवर करेंगे। तो मेरे पे सामने आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड है और देखने में लग रही है इलेक्ट्रा, क्योंकि इसे पहले से मॉडिफिकेशन कर रखा है। और स्टैंडर्ड की सबसे बड़ी पहचान जो है उसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगा रहता है, या पॉइंट वाला सिस्टम कह दो, वो यहाँ पे लगा रहता है। तो ये स्टैंडर्ड है, पर इसको एक बार रिस्टोर करके इलेक्ट्रा बना रखा है। तो कुछ चीज़ें हैं, गाड़ी के मॉडल की पहचान आप कागज़ से कर सकते हैं, और गाड़ी के जो आरसी होती है उसको आप उसके जो नंबर होते हैं वो गाड़ी के साथ मैच कर सकते हैं। इंजन नंबर और चेसिस नंबर, ये दोनों आप मैच कर लीजिए। कागज़ की जानकारी मुझसे ज़्यादा बेटर आप जानते होंगे। तो हम गाड़ी के बारे में सीधे बात कर लेते हैं कि गाड़ी में क्या क्या पॉइंट होते हैं देखने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चेक करने वाली चीज़ होती है, आपको फ्रेम चेक करना है। और फ्रेम जो होता है यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से पूरा नीचे तक का, कि कहीं से कोई क्रैक तो नहीं है, या कहीं टूटा तो नहीं है, या फिर टूटा हो और उसको वेल्डिंग तो नहीं कर रखा है। सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, और अब जो दूसरा पॉइंट है वो है यहाँ से, क्योंकि पहले के टाइम की जितनी गाड़ियाँ रहती थी उसमें साइड स्टैंड यहाँ पर लगता था, तो चेसिस हमारा यहाँ से टूट जाता था। तो आप ये चेक कर लें कि यहाँ से कहीं से ऐसा कोई क्रैक या टूटा या वेल्डिंग कर रखा हो, ठीक है, यहाँ देख लें। उसके बाद इंजन में क्या चीज़ चेक करने वाली होती है। अब इंजन के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो है सबसे पहले हमारा हेड। हेड के स्पार्क प्लग के पास से यहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या यहाँ से इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर लीकेज की प्रॉब्लम है, यहाँ आप देख सकते हैं, नज़दीक से देखिए। तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है कि जो हेड के नट बोल्ट होते हैं वो ढीले हो सकते हैं, तो यहाँ से हेड का पैकिंग लीक हो जाता है, तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। बाकी इंजन को देखें कि इंजन में कहीं वेल्डिंग तो नहीं है। वेल्डिंग मैं दिखाता हूँ नज़दीक से कहाँ कहाँ पर होते हैं। अच्छा, इस इंजन के नीचे की साइड से आप कंडीशन देखिए, कहीं से ज़्यादा कुछ लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो जितने भी पुराने मॉडल थे उसके अंदर नीचे लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसा नीचे से कहीं नहीं है, या चैम्बर हमारे यहाँ से टूटा तो नहीं है, यहाँ पर से तो नहीं टूटा है। ये सब चीज़ें आप नोटिस करें कि यहाँ से कहीं नहीं है। अब चलते हैं दूसरी साइड में। अच्छा, अब आप देखिए, आप मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए, एक इसमें लीकेज की प्रॉब्लम यहाँ से है, इस जगह से है, यहाँ देखिए, तमाम दुनिया भर की लीकेज की प्रॉब्लम है। ये लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इवन अगर यहाँ पे, ये मेरे को लगता है ये टैबिट कवर के पास से है, यहाँ से नीचे की साइड से, तब वो तेल सब रिस्क के बाहर आ रहा है। और दूसरा, कुछ नीचे की साइड में चीज़ें रहती हैं वो भी मैं आपको कवर करता हूँ। नीचे की साइड में देखेंगे कि नीचे की कोई साइड में कोई लीकेज की प्रॉब्लम, इवन छोटी मोटी लीकेज की प्रॉब्लम है, जितने भी पुराने मॉडल होते हैं उसके अंदर इतना तो लीकेज की प्रॉब्लम चलती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की स्टार्टिंग की, जो सबसे मेन होता है कि अगर आपने सेकेंड हैंड बाइक खरीदी है तो उसकी इवन स्टार्टिंग तो अच्छी होनी चाहिए, और इंजन की कैसी साउंड, कैसी बेटर साउंड रहती है, वो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। अभी हम देखेंगे गाड़ी को स्टार्ट करके और गाड़ी की स्टार्टिंग कैसी है। तो चलिए सर, स्टार्ट करिए। गियर में गाड़ी, ओके, यस। तो गाड़ी की स्टार्टिंग काफी बढ़िया, देखिए अभी फर्स्ट किक में स्टार्ट हो गई है। सर, एक बार दोबारा स्टार्ट करके देखिए, हो सकता है कि शायद हम कैमरे में दिखाने की वजह से ऐसा कर रहे हो। एक बार दोबारा ट्राई करिए, देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी में गाड़ी स्टार्ट है, और इंजन से भी मतलब कोई ज़्यादा नॉइस नहीं है। अब पुरानी गाड़ी रहती है, हल्का फुल्का नॉइस तो रहता ही है, देखिए। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इंजन की, इंजन से कुछ ज़्यादा नॉइस नहीं आता है। ऑफ कर दो। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई आपका सुझाव या कोई आपकी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।